हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीता। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्वीट होम पर। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं ज़ेब्रा केक। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है इसका डिजाइन, ऊपर से आप खुद भी देख सकते हैं और अंदर से देखिए कितना स्पंजी बना हुआ है। तो बस आज मैं आपके साथ इसी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो आप मेरे इस वीडियो को एंड तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक कप दही लिया है, ये फ्रेश दही है। और आधा कप लिया है मैंने ऑयल, रिफाइंड ऑयल है। और एक कप ही लिए मैंने यहाँ पाउडर शुगर। मैं इन तीनों को अच्छे से पहले मिक्स कर लूंगी। देखिए सब कुछ अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी, ये मैंने 2 कप मैदा ली है। और 1 चम्मच लिया है मैंने बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच लिया है मैंने बेकिंग सोडा। इसको भी अच्छे से मिक्स कर दूंगी। यहां मैंने 1 कप दूध लिया है। दूध को मैं इसमें धीरे धीरे ऐड करूंगी, एक साथ ऐड नहीं करूंगी। इसमें ऑलमोस्ट पूरा 1 कप दूध जो है वो ऐड कर दिया है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। बस हमें इससे ज्यादा पतला नहीं करना है, नहीं तो जो हम डिजाइन बनाएंगे वो इसमें नहीं बन पाएगा। अब हमको ये बैटर जो है वो 2 पोर्शन में डिवाइड कर लेना है। देखिए मैंने इसे 2 पोर्शंस में डिवाइड कर लिया है। अब हम अपना केक टिन रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ये टिन को लिया है, इसमें मैं ऑयल से इसे ग्रीस कर लूंगी अच्छे से और इसे कर लिया है मैंने ये मैट से डस्ट। हमारी ट्रे भी रेडी हो चुकी है। अब हम अपनी कढ़ाई को भी प्रीहीट होने के लिए रख देते हैं। इसमें मैंने डाल दिया है एक स्टैंड, इसको मैंने लिड से कवर कर दिया है और लगभग 5 मिनट के लिए मैं इसको प्री हीट होने के लिए रख दूंगी। तब तक हम अपना टिन जो है रेडी कर लेते हैं। एक बैटर को मैं ऐसे ही रहने दूंगी और एक बैटर में मैंने यहाँ 2 टेबल स्पून डाल दिया है कोको पाउडर। अगर आपके पास कोको पाउडर नहीं है तो आप कॉफी पाउडर भी यूज कर सकते हैं या चॉकलेट सिरप होती है वो भी आप यूज कर सकते हैं। और इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए मैंने यहाँ डाल दिया लगभग 1 टेबल स्पून दूध। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये मेरा चॉकलेट बैटर रेडी है। अब इसमें मैं जो प्लेन बैटर है इसमें मैं डाल दूंगी 1 छोटा चम्मच वेनिला एसेंस। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं बट इससे खुशबू आ जाएगी। बस इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इसे मिक्स होने के बाद अब हम इसको मोल्ड में डालना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं व्हाइट वाला बैटर लूंगी और हमें इसे बिल्कुल सेंटर से डालना शुरू करना है। अगर आप 1 टेबल स्पून डाल रहे हैं तो 1 टेबल स्पून ही आप कंटिन्यू करेंगे, अगर आप 2 टेबल स्पून डाल रहे हैं तो 2 टेबल स्पून ही आप कंटिन्यू करेंगे। और इसे खुद से फैलने दीजिए, थोड़ा सा टैप करना है ताकि फैल जाए।
ये चॉकलेट बैटर डालेंगे, ये भी बिल्कुल हमें सेंटर में ही डालना है। देखिए हमने स्पून को टच नहीं किया है, खुद से ही फैल रहा है। अब इसके ऊपर हम ये व्हाइट वाला बैटर डालेंगे। फिर से वही चॉकलेट, अब हम इसमें डिजाइन बनाना शुरू करते हैं। तो डिजाइन बनाने के लिए मैंने लिया है एक टूथपिक। टूथपिक को हम बिल्कुल इसके नीचे तक ले जाके इस तरीके से डिजाइन बनाएंगे, और जितनी बार डिजाइन बनाएंगे उतनी बार हम इस टूथपिक को कपड़े से क्लीन कर देंगे, अदरवाइज जो हमारा डिजाइन है वो खराब हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा। देखिए जैसे घड़ी की सुइयां होती हैं उस टाइप से। देखिए कितना सुंदर इसमें डिजाइन बना है। अब हमारी कढ़ाई प्री हीट हो चुकी है तो हम इसे कढ़ाई में डाल देते हैं। हमने इसको बिल्कुल केयरफुली इसमें रख दिया है और हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर 30 से 35 मिनट के लिए रख देंगे। इस बीच हम इसको एक दो बार चेक भी कर लेंगे, क्योंकि जो ये टाइमिंग है ये आपके किचन के टेम्परेचर पर, आप किस बर्तन में बना रहे हैं ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, तो टाइमिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकती है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। चेक हमेशा आप सेंटर में ही कीजिएगा। देखिए एकदम क्लीन निकली है, मतलब ये बन चुका है। इसको मैंने बीच बीच में भी एक दो बार चेक किया था, देखिए इसके निशान है। तो बस अब मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और मैं इसको बाहर निकाल लेती हूँ। मेरे केक को बनने में एग्जैक्ट 35 मिनट्स लगे हुए हैं, तो बस अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसे डीमोल्ड करेंगे। केक ठंडा हो चुका है, अब हम इसको डीमोल्ड कर लेते हैं। तो हम नाइफ की हेल्प से इसकी साइड्स को, वैसे इसकी साइड्स खुद ही सेपरेट हो जाती हैं ठंडा होने के बाद, बट फिर भी नाइफ की हेल्प से हमने इसको साइड्स को अलग कर दिया है। इस तरीके से हमने एक प्लेट ली है और इसके ऊपर लगाकर बहुत ही इजीली केक निकलकर बाहर आ जाएगा। देखिए एकदम परफेक्ट सका हुआ है। इसका कलर देखिए और आगे से वाओ कितना सुंदर लग रहा है, आप खुद भी देख सकते हैं। देखिए इसको कट करके बताती हूँ। ज्यादा स्पंजी बना हुआ है, वाओ देखिए इसका डिजाइन एकदम, जो जेब्रा के ऊपर जो स्ट्रिप्स होती हैं
बिल्कुल इसके जैसे आपको दिख रही होंगी स्पंजी। तो देखिए कितना स्पंजी है। तो बस आप भी फटाफट इसे ट्राई करें, और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन का बटन आता है उसे जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंचे। थैंक यू।